हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और आज है 14 जून। जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास डायोड्स, ठीक है, डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या वीडियोज आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज़ों का अपन डिस्कशन करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले इसमें बात होगी यहाँ पे डायोड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डायोड के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, लाइक क्लिपर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट, ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। और स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे डायोड, और ये टॉपिक लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे डायोड्स के लिए, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट इज द डायोड, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है ये चीज, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मेरे पास, इट इज एन यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। सो ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कैसा है मेरे पास, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। और मैंने ऐसा कुछ एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियोस में, लाइक डिजाइनिंग ऑफ क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, डिजाइनिंग ऑफ रेक्टिफायर्स, और बहुत से ज्यादा इसके एप्लीकेशन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। सो डायोड एक ऐसा फंडामेंटल डिवाइस है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि जो करंट फ्लो होता है डायोड में वो पी टू एन फ्लो होता है। पी टू एन मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं सिंबल की बात करता हूं तो ये जो है मेरे पास ये सिंबल यहाँ पे पी, ये शो करता है, ये जो टर्मिनल लिखा हुआ है ये शो करता है ये एनोड या फिर पी टाइप को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास ये टर्मिनल है कैथोड और ये एन टाइप। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, वो ऑलवेज आई पी एन, पी टू एन यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये जो लिखा हुआ है पी एन जंक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एन जंक्शन है, मेरे पास लिखा हुआ है पी एन और ये दिस कॉल्ड पी एन जंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे दो टाइप के आपको डायोड मिलेंगे पूरे एनालॉग में, यहां पे एक होता है सिलिकॉन डायोड, दूसरा है जर्मेनियम डायोड, ठीक है। तो इसका हम लोग यहां मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहां पे शो किया है, और इसके बाद हम लोग डायोड के डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस की बात करेंगे कि डीसी एनालिसिस केस में कैसे डायोड बिहेव करता है, एसी एनालिसिस से एसी एनालिसिस के लिए हम लोग डायोड की बात करेंगे कि कैसे वो बिहेव करता है एक नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और इसके पहले आप इसे आराम से नोट कर लो। और आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट डे से, फर्स्ट वीडियो से अपने कॉपी का नोट्स अच्छा बनाओ, ताकि आपके गेट के एग्जाम के टाइम तक ये नोट्स बहुत अच्छा बने और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख पाओ। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलो इसको आराम से आप नोट कर लो, ओके, ठीक है। तो आपकी कॉपी का नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है यहाँ पे डीसी एंड एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड्स, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे एसी और डी सोर्स को दोनों साथ में लेने वाले हैं। जैसा मैं आप फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डी सोर्स लिया हुआ है प्लस माइनस वीडीसी, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया डीसी सोर्स। अगर मैं एसी सोर्स की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एसी सोर्स, यहाँ पे एसी सोर्स वी ए सी अक्रॉस द डायोड। एक बात बताओ, अगर मैं एक डीसी सोर्स की बात करता हूं तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। अगर मैं एसी सोर्स की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि एक सर्किट में आपके पास दो टाइप के फ्रीक्वेंसीज यहां पे अप्लाई हो रहे हैं, जहां पे डिफरेंट सोर्सेज की अपन बात कर रहे हैं, एसी सोर्स एज वेल एज डीसी सोर्स। तो जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की बात होती है किसी भी सर्किट में यहां पे, या मोर देन वन सोर्सेस यहां पे अप्लाई होते हैं, तो अपन नेटवर्क थ्योरी से क्या पढ़ते हैं कि वहां पे अपन अप्लाई करते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम, तो एक इसमें अपन क्या करते हैं कि वन बाय वन अपन यहां पे सोर्सेस को कंसिडर करते हैं, और एट द सेम टाइम अदर सोर्सेज जो है वो, अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है, और अगर करंट सोर्स होता है तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, ठीक है ना। ये हम लोग अपने सुपर पोजिशन थ्योरम में पढ़ते हैं। अगर ये बात करूं यहां पे सबसे पहला केस, अगर मैं यहां पे लेता हूं, मैंने यहां पे लिया कंसिडर डीसी सोर्स, कंसिडर डीसी सोर्स, सो डी सोर्स को मैंने यहां पे कंसिडर किया हुआ है, तो एट द सेम टाइम वी ए सी इज इक्वल टू जीरो। एक बात बताओ कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती है, तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होने वाला है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, सो देखो कैसे ड्रॉ होने वाला है, तो ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस वीडीसी, और यहां पे डायोड मेरे पास दिस वन, ये हो गया डायोड के अक्रॉस मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे डीसी सोर्स, तो ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस वीडी, प्लस और माइनस ये मैंने लिया हुआ है, ये हो गया मेरे पास पी टर्मिनल और ये हो गया एन टर्मिनल, ठीक है। अगर ये बात करूं यहां पे डी सोर्स के लिए, तो यहां पे दो केस में इसका डिस्कशन मैं यहां पे डिवाइड करने वाला हूं, और वो दो केस ये है।
अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं रिसोर्स के लिए, तो फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस मैंने यहां पे लिया हुआ है इफ वी डी सी इज ग्रेटर देन वी गामा। देखो वी गामा, अब ये वी गामा यहां पे क्या लिखा हुआ है, वी गामा होता है मेरे पास कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड। क्या? कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड, ठीक। इसका एक और भी नाम है यहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, या इसका एक और भी नाम है यहां पे पोटेंशियल बैरियर। क्या? पोटेंशियल बैरियर। सो कट इन वोल्टेज क्या होता है, अपने पास एक मिनिमम वोल्टेज होता है जिसके अक्रॉस जब डायोड जो है वो मिनिमम वोल्टेज को रीच करता है, उसके बाद डायोड जो है वो कंडक्शन स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं तो डीसी सोर्स जो अप्लाई हुआ है डायोड के अक्रॉस वो कट इन वोल्टेज से ग्रेटर है, और कट इन वोल्टेज क्या अपने पास वो मिनिमम वोल्टेज है, उसके बाद जो है डायोड मतलब उसके बियॉन्ड लेवल पे डायोड जो है वो कंडक्शन स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि जो डायोड है इस केस में यहां पे होने वाला है फॉरवर्ड बायस। ये देख लो यहां पे, ये हो गया मेरे पास डायोड फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसका मतलब है डायोड को बोल सकता हूं मैं यहां पे कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, यहां पे कंडक्ट्स या फिर डायोड जो है वो ऑन हो गया है, या तीन बातें अपन यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो ये जो सर्किट एलिमेंट है यहां पे डायोड रिप्लेस होने वाला है यहां पे एक रेजिस्टेंस के साथ और एक कट इन वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस लिया मैंने और एक कट इन वोल्टेज यहां पे लिया वी गामा, प्लस माइनस वी गामा, और ये हो गया मेरे पास आरएफ, ठीक। तो यहां पे एक डीसी करंट फ्लो रहा है आईडीसी। अगर मैं यहां पे केवीएल की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे केवीएल की बात करता हूं सो आपको दिख रहा है केवीएल के अकॉर्डिंग आईडीसी इज इक्वल टू वीडीसी माइनस वी गामा डिवाइड बाय आरएफ। ये देख लो यहां पे, सो ये वो करंट आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख लू यहां पे आईडीसी इक्वल टू वीडीसी डिवाइड बाय आरएफ माइनस वी गामा डिवाइड बाय आरएफ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको दोनों से कंपेयर करने में क्या दिख रहा है कि अगर मैं आईडीसी को वाई एक्सिस में ले रहा हूं और वीडीसी को एक्स एक्सिस में, तो यहां पे जो स्लोप आपको मिलने वाला है, स्लोप दैट इज एम इज इक्वल टू वन बाई आर एफ, ये दिख रहा है आपको। और सी यहां पे क्या शो कर रहा है, सी इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, और ये वैल्यू जो है मेरे पास ये है नेगेटिव, ये देख लो यहां पे माइनस वी गामा बाई आर एफ, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है, अगर मैं दोनों कंपेयर कर पा रहा हूं तो आपके पास स्लोप की वैल्यू मिल रही है 1 बाई आर एफ और सी की वैल्यू मिल रही है माइनस वी गामा बाई आर एफ। अब चलो इसको अपन ग्राफिकली अपन यहां पे डिनोट कर लेते हैं। अगर मैं देख रहा हूं ग्राफ वाइज, ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास वी डी सी और ये हो गया मेरे पास आई डी सी। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये हो गया ओरिजिन, और आप देख रहे हैं अगर मैंने लेट सपोज यहां पे वी गामा लिया हुआ है, ये वी गामा यहां पे, ठीक है। तो वी गामा से लेस वैल्यू के लिए जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा मतलब कि वहां पे करंट की वैल्यू जीरो, और जैसे ही ये वीडीसी की वैल्यू, वीडीसी कौन है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज है, जैसे ही वो डायोड के क्रॉस आएगा डायोड कंडक्ट करेगा, मतलब वो जैसे ही इस मिनिमम वोल्टेज को, डायोड के मिनिमम वोल्टेज दैट इज कट इन वोल्टेज को जैसे ही क्रॉस करेगा तो डायोड कंडक्ट करेगा, और डायोड कंडक्ट करेगा तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्म मिल रहा है। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है मेरे पास, ये स्लोप की वैल्यू क्या है यहां पे 1 बाई आर एफ, ये देख लो यहां पे 1 बाई आर एफ। एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि सर अगर यहां पे मैं लिखा हो कि वीडीसी इक्वल टू वी गामा है, इस केस में क्या होगा, मतलब क्या कि जो आपने डीसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है वो डायोड के कट इन वोल्टेज के इक्वल है, तो यार इक्वेशन नंबर वन से आप देख सकते हो ना, इक्वेशन नंबर वन से आप क्या देख सकते हो कि VDC माइनस V गामा ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब IDC की वैल्यू क्या होगी, जीरो एम्पियर, मतलब कि वहां पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब क्या कि जैसे ही V गामा से ग्रेटर वैल्यू वहां पे पहुंचती है, किसके पास, डायोड के पास, V गामा से कट इन वोल्टेज से ग्रेटर वैल्यू, तो वहां पे डायोड कंडक्ट करता है, और जैसे ही कंडक्ट करता है तो वहां पे आपको दिख रहा है कि एक लीनियर फॉर्म शो कर रहा है, ये देख लो यहां पे, अगर आप देख रहे हैं यहां पे एक लीनियर फॉर्म को शो कर रहा है, ठीक है। और उसके पहले आप देख रहे हैं डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पे मेरे पास है जीरो एम्पियर का करंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास होता है किसके लिए, जब अपन डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, और कब, जब डायोड यहां पे डायोड का जो कट इन वोल्टेज से ग्रेटर वैल्यू अपन डीसी सोर्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इतना आप आराम से नोट कर लो, फिर इसका नेक्स्ट डिस्कशन अपन आगे करते हैं, ओके, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे जहां पे हम लोगों ने बात की थी डायोड के कंडक्ट होने की, और उससे मेरे पास एक डायोड करंट फ्लो हुआ था आईडीसी, और उसी को मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं
सबसे पहले मैंने लिखा था आईडीसी इक्वल टू, मेरे पास था मेरे पास वीडीसी माइनस वी गामा डिवाइड बाई आरएफ। ठीक, अगर इसको मैं और भी लिखना चाहूं तो वीडीसी इक्वल टू लिख सकता हूं आईडीसी इक्वल टू वीडीसी डिवाइड बाई आरएफ माइनस वी गामा डिवाइड बाई आरएफ, ये देख लो यहां पे। ठीक, अगर यहां पे बात करते हैं हम लोग डिफरेंट केसेस के लिए, सर कैसे, देखो यहां पे ये बात हो रही मेरे पास, ये बात हो रही मेरे पास यहां पे फर्स्ट केस की, केस नंबर वन। अभी हम लोग का वो केस चल रहा है जहां पे है ना, वो केस चल रहा है जहां पे अपने पास VDC इज ग्रेटर देन V गामा था। ठीक है, अभी भी ये केस चल रहा है और इस केस में अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस की और बात करते हैं। अगर मैंने यहां पे कट इन वोल्टेज को यहां पे जीरो वोल्ट लिया हुआ है, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैंने RF इज नॉट इक्वल टू जीरो ओम, तब क्या होगा अपने पास, देखते हैं यहां पे। So, ये इक्वेशन नंबर वन यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं पुट करूं तो IDC की वैल्यू क्यों, ये हो गया V, V गामा मेरे पास जीरो है, इसका मतलब VDC डिवाइड बाई RF, ये आपको मिलेगा यहां पे। इसका मतलब है इस केस में जो डायोड अपने पास लिखा है, तो अगर मैं फिगर को देखता हूं, अभी मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था आपके पास, उस ग्राफ को अगर मैं देखूंगा तो यहां पे V गामा था, इस बार V गामा क्या है, जीरो है। मतलब कि V गामा की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि जैसे ही अपन डायोड के क्रॉस जीरो से ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उस केस में डायोड कंडक्ट करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और जैसे ही ये कंडक्ट करेगा तो आपको जो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ये हो गया IDC और ये VDC। ठीक, अब ये जो स्लोप आपको शो कर रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहां पे, स्लोप की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 1/RF, ये देख लो यहां पे। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास जीरो। ये बात हो गई फर्स्ट केस के लिए इसमें। और अगर मैं अगर सेकंड केस की बात करता हूं यहां पे, सेकंड केस, तो सेकंड केस मैंने यहां पे लिया हुआ है V गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो वोल्ट एंड RF इज इक्वल टू जीरो ओम। यार RF का जीरो होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई स्लोप क्या होता है मेरे पास इस केस में, RF और स्लोप मतलब 1/0, तो ये हो गया इन्फिनिटी, मतलब स्लोप के इन्फिनिटी होने को शो कर रहा है। और किसी भी लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप इन्फिनिटी कब होता है, जब वो वर्टिकल लाइन को शो करता है। इसका मतलब अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो ये हो गया मेरे पास VDC IDC और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहां पे रहेगी V गामा की वैल्यू और जैसे ही ये V गामा को क्रॉस करेगा यहां पे कंडक्शन होगा और आपको यहां पे एक वर्टिकल लाइन प्रोवाइड होने वाला है और इसका जो स्लोप होगा वर्टिकल लाइन का वो है अपने पास इंफिनिटी। ठीक, अगर मैं चलो थर्ड केस की बात करता हूं यहां पे, थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस की बात करें तो V गामा इक्वल टू जीरो वोल्ट और RF इज इक्वल टू जीरो वोल्ट जीरो ओम, ये देख लो यहां पे। अगर मैं दोनों को जीरो लिया हुआ यहां पे, इसका मतलब क्या है कि V गामा की वैल्यू इस केस में जीरो होने वाली है, तो ये आपको वर्टिकल लाइन तो मिलेगा इस बार भी, लेकिन V गामा की वैल्यू जीरो है, मतलब ये जो लाइन है वो यहां पे आने वाला है ओरिजिन पे। ये क्या अपने पास ओरिजिन। अगर मैं इसका प्लॉट करूं यहां पे ग्राफ, तो ग्राफ आपको कैसा दिखने वाला है ये देख लो, ये यहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया जीरो और VDC एंड दिस इज IDC, जहां पे आपको दिख रहा है इसका जो स्लोप है मेरे पास वो है इंफिनिटी। इसका मतलब कि डायोड जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि एक आइडियली यहां पे वर्क कर रहा है, जिस केस के लिए V गामा की वैल्यू और RF की वैल्यू जीरो है। ठीक है, सो ये मेरे पास थ्री डिफरेंट केसेस होते हैं जहां पे हम लोग यहां पे V गामा और RF को देख रहे थे। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, अपन वो कंडीशन लेते हैं जहां पे जो डायोड के अक्रॉस डीसी सोर्स का वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज से लेस होना चाहिए। ठीक है, सो अपन उसको देखने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे यहां पे। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सा, सेकंड नंबर केस, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, केस नंबर टू। ठीक है, तीन केस के भी बात हुई थी यहां पे, और वो तीन केस कौन सा था, जहां पे डायोड कंडक्ट कर रहा था। अब बात करते हैं यहां पे क्या, कि इफ VDC इज लेस देन V गामा, इसका मतलब है कि यहां पे जब डायोड के अक्रॉस अपन वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, डीसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज से लेस है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डायोड विल बी इन रिवर्स्ड बायस, रिवर्स्ड बायस, और यहां पे डायोड जो है वो होने वाला है ऑफ। ठीक है, और डायोड अपन लिख सकते हैं यहां पे डज नॉट कंडक्ट, ये तो ये डिफरेंट केसेस अपन यहां पे लिख सकते हैं। तो VDC less than V gamma, so in that case, अगर अपन बात करें plus minus VDC circuit के लिए, तो यहां पे आपको दिख रहा है diode एक replace हो जाएगा resistance के साथ, और resistance है मेरे पास RR। सर ये RR क्या है अपने पास, ये RR होता है मेरे पास reversed bias resistance, reverse bias resistance। ठीक है,
ये अपने पास यहां पे आ गया। जैसे हम लोगों ने आरएफ को क्या लिखा था, आरएफ क्या था मेरे पास वहां पे, आरएफ था मेरे पास फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं यहां पे, अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूं, ठीक है, अगर आरएफ की मैं बात करता हूं तो आरएफ की वैल्यू काफी हाई होती है और आरएफ की वैल्यू काफी लो होती है। अब ये कैसे, मैं आपको डायोड का जब फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो वहां पे आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि क्यों आरएफ आरआर की वैल्यू और आरआर की वैल्यू क्यों यहां पे ये ग्रेटर होती है और ये काफी लो होती है। ठीक है ना, अभी आप लोग देखो यहां पे, अब यहां पे जो करंट फ्लो होने वाला है, ये करंट लेट सपोज मैंने लिया आईडीसी, ठीक है, रिवर्स बायस केस की बात हो रही है यहां पे। अगर मैं करंट की बात करता हूं आईडीसी, तो ये हो गया मेरे पास वीडीसी डिवाइड बाय आरआर। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बोला कि आरआर की वैल्यू जो है काफी वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब कि आरआर जो लिखा हुआ है इज वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई। इसका जो अप्रोक्सीमेटली रेंज होता है वो मेगा ओम के आसपास होता है यहां पे। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली यहां पे बात करूं इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1 मेगा ओम टू 2 मेगा ओम, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रैक्टिकली, देखो यहां पे, ठीक है। और आरआर की जो वैल्यू यहां पे लिखी है प्रैक्टिकली, अगर मैं आइडियल केस की बात करता हूं तो ये होता है इंफिनिटी, ये देख लो यहां पे इंफिनिटी। एक बात बताओ, किसी जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी होने का मतलब क्या है, कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई है और इंफिनिटी होने का मतलब है वो ओपन सर्किट से वहां पे रिप्लेस होगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इसका मतलब है, बोल सकता हूं कि ये हो गया ओपन सर्किट ये। ठीक, अब अगर अपन बात करते हैं, चलो आरएफ को ही बात कर लेते हैं। ठीक है, जो जो आपको नया नया सीखने मिल रहा है बिल्कुल आप नोट करते जाओ यहां पे। अगर मैं आरएफ की बात करता हूं तो ये होता है वेरी लो, ठीक, और इसका जो वैल्यू होता है वो ओम के आसपास, मतलब कि अगर मैं बोलूं इसका जो रेंज होता है वो 10 टू 100 ओम के रेंज में होता है, अगर मैं बात करता हूं एक प्रैक्टिकल डायोड के लिए। ठीक है, और अगर अपन बात करें आइडियल केस में तो ये होता है मेरे पास 0 ओम। ठीक है, 0 मतलब ये हो गया मेरे पास आइडियल केस, ठीक, ये लिख लो यहां पे, ये सब क्या है मेरे पास आइडियल केस ये। और जब बात करते हैं अपन किसी भी जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, कि वहां पे जो पाथ है, जो ब्रांच है, वहां पे रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, देखो ये शॉर्ट सर्किट से, कब, जब मैं बात कर रहा हूं डायोड के आइडियल होने का। ठीक है ना, अब देखो यहां पे ये जो लिखा हुआ है आईडीसी इक्वल टू वीडीसी बाय आरआर, तो भाई अगर मैंने बोला कि आरआर की वैल्यू काफी हाई है, और अगर चलो मैं आइडियल केस की बात करता हूं तो आरआर मतलब इंफिनिटी, और एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी, मैं बोल सकता हूं कि जो आईडीसी की वैल्यू है, ये देख लो यहां पे आईडीसी की वैल्यू है, वो मैं बोल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली यहां पे 0 एम्पियर के आसपास होनी चाहिए। और अगर किसी पाथ में करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, कि वो ओपन सर्किट को शो कर रहा है। देखो मैंने लिखा था ना ओपन सर्किट यहां पे, सो ये मेरे पास शो कर रहा है ओपन सर्किट को। तो ये बात हो गई सेकंड केस की, जहां पे हम लोगों ने बात किया कि डायोड जब कंडक्ट नहीं कर रहा है, अगर प्रैक्टिकली बात करें डायोड का, तो जहां पे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वो रिप्लेस होगा एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ, और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के कारण वहां पे जो करंट होगा, है ना, अगर मैं चलो करंट की बात करता हूं प्रैक्टिकल केस में, ठीक है, तो वीडीसी जो है वो फिक्स वोल्टेज है मेरे पास डी सोर्स के लिए, ठीक है, और जो आरआर की वैल्यू है वो 1 मेगा ओम टू 2 मेगा ओम के रेंज में होगी। इसका मतलब अगर प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं तो आईडीसी का जो रेंज होगा वो यहां पे माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर का बनेगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन कब ये, मैं बोल सकता हूं ये हो गया प्रैक्टिकल केस। और अगर अपन आइडियल केस की बात करते हैं तो आईडीसी की वैल्यू 0 एम्पियर, तो ये बात हो गई ओपन सर्किट के लिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सो आप ये पूरा नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे कि आइडियल केस में डायोड कैसा बिहेव कर रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, और आपको अगर मैं एक फिगर बना दूं यहां पे कि सर ये फिगर सेकंड केस के लिए क्या होगा, तो सेकंड केस का फिगर यहां पे देखो छोटा सा आपके पास बना रहा हूं, देखो ये हो गया मेरे पास वीडीसी और ये आईडीसी। ठीक, ये जो है ये पार्ट जो आपको दिख रहा है इस केस में आपको दिख रहा है ये वी गामा, जब वी गामा से लेस वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वीडीसी का, तो वी गामा से लेस वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, या फिर एक करंट प्रोवाइड कर रहा है जो करंट की वैल्यू काफी नेग्लिजिबल है यहां पे, इसका मतलब माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर के बीच में, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने यहां पे जो शो किया हुआ इस लाइन पे, और आप देख रहे हैं वी गामा से लेस वैल्यू के लिए जो डायोड है वो रिवर्स्ड बायस में है।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े अपन, ठीक है? चलो, सो हम लोग यहां पे टू डिफरेंट केसेस की बात कर चुके हैं, जहां पे डायोड जो था वो कंडक्ट कर रहा था. कब? जब अपने पास डायोड के लिए जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा था इस डीसी सोर्स से, वो कट इन वोल्टेज से ग्रेटर था. और दूसरी बात मैंने की यहां पे, जब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज से लेस है, मतलब एक बार डायोड कंडक्ट कर रहा है, और दूसरा केस जहां पे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है. और जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि नेग्लिजिबल करंट, मतलब माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर के रेंज में यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, और उसको मैंने यहां पे नेग्लेक्ट किया था. अब ये दोनों केस को मैं यहां पे फिगर में मर्ज कर रहा हूं, आप लोग देखना यहां पे, ठीक है? अगर ये फिगर की बात करता हूं, सो ये हो गया मेरे पास आईडीसी और वीडीसी. ये देखो फिगर यहां पे बन रहा है, सो ये फिगर यहां पे रेडी है, वी गामा और ये जीरो. जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो केस है मेरे पास, इस केस में ये रिवर्स बायस को शो कर रहा है, और ये जो पार्ट है मेरे पास, दिस वन, ये जो पार्ट है मेरे पास, ये फॉरवर्ड बायस को शो कर रहा है. अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूं, तो आपने स्लोप क्या कैलकुलेट किया था? 1/RF, आपको याद होगा, ठीक है? और इसका इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखा था? इसका इक्वेशन था आईडीसी इक्वल टू वीडीसी माइनस वी गामा डिवाइड बाई आरएफ. ये देख लो अपने पास, ठीक. अगर मैं यहां पे, चलो एक काम करता हूं, मैंने यहां पे क्या किया कि वी गामा को जीरो किया, आपको वो केस याद होगा. मैंने एक बार आरएफ को जीरो किया, आपको वो भी केस याद होगा. और मैंने एक बार दोनों को जीरो कर दिया, तो वो केस आपको याद होगा. तो मैं एक नेक्स्ट फिगर आपको यहां पे बना रहा हूं, जहां पे मैंने कंसिडर किया हुआ है. आप लोग ध्यान से देखना, यहां पे कंसिडर वी गामा इक्वल टू जीरो एंड आरएफ इक्वल टू जीरो ओम और ये वोल्ट, ठीक है? तो इस केस में क्या होने वाला है, ग्राफ जो है वो जरा सा चेंज आएगा, और यहां पे क्या आएगा, ये हो गया मेरे पास वीडीसी, दिस वन आईडीसी, और ये जो ग्राफ है कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा. ये देख लो यहां पे, ठीक. ये जो पार्ट मेरे पास शो कर रहा है ये है, ये जीरो, ठीक. और ये डायोड यहां पे आप देख सकते हैं कि स्लोप मिलने वाला है आपको इंफिनिटी, मतलब आरएफ इक्वल टू जीरो. तो ये वो केस हो गया, इस केस में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है या फिर ऑन है, क्या आपको समझ में आ रहा है? और अगर मैं बात करूं यहां पे इस केस में, तो ये हो गया रिवर्स बायस और यहां पे ऑफ. ये तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे दो टाइप के फिगर बने हुए हैं, जहां पे मैंने डायोड के लिए कंसिडर किया हुआ है वी गामा और आरएफ को, और यहां पे मैंने वी गामा और आरएफ को जीरो लिया हुआ है, दोनों को जीरो लिया हुआ है. तो अपन बात करेंगे तो इस फिगर की, तो ये होता है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. लेकिन कौन सा? प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये. और अगर मैं इसकी बात करूं, तो मैं यहां पे कमेंट करूंगा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. ये देख लो यहां पे, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. सो अपने पास ये डिस्कशन होता है, जहां पे जो डायोड है वो एज अ डीसी सोर्स जब अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके का आपको बिहेवियर वहां पे दिखता है, ठीक है? कुछ देर बाद हम लोग एसी सोर्स की ही बात करेंगे, तो ये बात होगी मेरे पास डीसी सोर्स के लिए. अब आप ध्यान दो, अगर मैं डायोड को एक आइडियल केस में लेके चल रहा हूं किसी फिगर में, तो आप ध्यान देना यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे दो बातें निकल के आ रही हैं. क्या? फर्स्ट केस क्या कि भाई अगर ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, तो फॉरवर्ड बायस डायोड के कारण जो डायोड में कंडक्शन हो रहा है, ओके, और कंडक्शन के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो वीडीसी की वैल्यू, मतलब कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है आप देख रहे हैं कि जीरो है ना, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो रहा है. मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि जब फॉरवर्ड बायस का जो कंडीशन आएगा डायोड का, तो उस केस में डायोड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, क्या आपको समझ में आ रहा है? और अगर मैं जब बात करता हूं रिवर्स बायस केस का, तो रिवर्स बायस केस में जो डायोड है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? नेग्लिजिबल, मतलब माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर. इसका मतलब क्या है कि डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो नेग्लिजिबल है. इसका मतलब कि डायोड करंट इज जीरो. डायोड करंट का जीरो होने का मतलब क्या है मेरे पास? किसी सर्किट में, किसी ब्रांच में करंट जीरो होने का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट. तो यहां पे बोल सकता हूं कि जो डायोड मेरे पास है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. कब? रिवर्स बायस में. लेकिन बात कब होगी? जब एक आइडियल डायोड होगा. क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास किसी भी क्वेश्चन पे डायोड गिवन है, आप देखे होंगे कि भाई वहां पर लिखा होता है आइडियल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड, कंसिडर एंड आइडियल डायोड शोन इन द फिगर, ऐसा क्वेश्चन होता है. तो वहां पे आइडियल अगर आपके पास नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको उसको आइडियल लेके चलना है. कब? जब आपके पास ना तो वी गामा पता है आपको, ना तो आरएफ पता है. ये सब आपको मैं क्वेश्चन के टाइम में फिर से बताऊंगा,
ठीक है, आप लोग देखना उस टाइम पे, ओके। तो आप इसको आराम से नोट कर लो। अब हम एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि डायोड कब कब कंडक्ट करेगा, मतलब कब कब फॉरवर्ड बायस में आएगा, कब कब रिवर्स बायस में आएगा, कब उसे अपन शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, कब अपन ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है। तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे। अब अपन चेक करने वाले डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में, वो चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आप ये समझ गए तो आप कभी लाइफ में इसमें कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है और मैंने यहाँ पे लिया एक डायोड, ठीक है, और डायोड के दो टर्मिनल मेरे पास, एक टर्मिनल मेरे पास पी यहाँ पे और एक एन टर्मिनल है। अगर मैं डायोड के पी टर्मिनल को यहाँ पे एक 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्ट, ओके, और मैंने यहाँ पे एन टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड से, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि जो पी टर्मिनल है वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, वीपी इज इक्वल टू 10 वोल्ट और वीएन इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अगर आप दोनों कंपेयर कर पा रहे होगे तो यहाँ पे वीपी की वैल्यू ग्रेटर है वीएन से। सो मेरे पास जब जब यहाँ पे जो पोटेंशियल है पी टर्मिनल का, पोटेंशियल एट एन टर्मिनल जब भी ग्रेटर होगा, मतलब वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, तो उस केस में जो डायोड है विल बी ट्रीटेड एज ऑन। मतलब क्या, इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पे, फॉरवर्ड बायस। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगर सेकंड केस की बात करते हैं तो मैंने एक डायोड लिया यहां पे, ठीक है ये, और अगर डायोड में यहां पे मैंने अप्लाई किया ये ग्राउंड और यहां पे मैंने अप्लाई किया माइनस 1 वोल्ट, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो ये पी टर्मिनल है और एन टर्मिनल, पी टर्मिनल पे जो वोल्टेज मेरे पास लिखा हुआ है वो है 0 वोल्ट जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, और अगर मैं एन टर्मिनल की बात करता हूं तो माइनस वोल्ट से कनेक्टेड है। सो माइनस 1 वोल्ट और 0 में ग्रेटर कौन हुआ? आप देख पा रहे होंगे वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, इसका मतलब है कि जब भी ये केस होगा उस केस में डायोड जो है वो होगा ऑन, मतलब फॉरवर्ड बायस। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे और केस की बात करते हैं। अगर मैं एक और केस की बात करता हूं, थर्ड नंबर, लेट सपोज मैंने डायोड लिया यहां पे, ठीक है, और यहां पे मैंने चलो अप्लाई किया माइनस 1 वोल्ट, ठीक है, और मैंने यहां पे अप्लाई किया माइनस, इस केस में चलो इसको ग्राउंड बना दिया, ठीक है ग्राउंड लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास पी और ये हो गया एन। अगर बात करते हैं वीपी का, तो पी टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है? ये डायरेक्टली माइनस 1 से कनेक्टेड है, और एन टर्मिनल पे वोल्टेज क्या है मेरे पास? 0 वोल्ट। इसका मतलब है वीपी इज लेस देन वीएन। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया? ये केस जस्ट अपोजिट है बाकी दोनों केस से, और इस केस में डायोड विल बी ऑफ, मतलब क्या, रिवर्स्ड बायस। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलो और भी केसेस की बात करते हैं। अगर मैं चलो यहां पे लिख रहा हूं फोर्थ केस, ठीक है, आपको मजा आएगा यहां पे, मैं डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं, डिफरेंट टाइप के यहां पे डायोड्स को अपन देख रहे हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं, कई बार कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पे चलो लिया हुआ है ये 1 वोल्ट, ठीक है, ये माइनस 1, चलो इस केस में लिया माइनस 1, और मैंने इस केस में इसे लिया हुआ है यहां पे माइनस 3 वोल्ट, तो एक बात बताओ ये दोनों में ग्रेटर कौन है? अगर मैं बोलता हूं कि वीपी जो है माइनस 1 वोल्ट पे है, ये पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल, और एन जो है मेरे पास माइनस 3 पे है, तो एक बात बताओ दोनों में ग्रेटर कौन है? वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, इसका मतलब इस केस में डायोड विल बी ऑन, मतलब कि फॉरवर्ड बायस। समझ में आ रहा है आपको चीजें? अगर मैं फिफ्थ केस की बात करता हूं, चलो फिफ्थ केस, तो फिफ्थ केस में आपको क्या देखने मिलेगा? फिफ्थ केस में आपके पास ये पी टर्मिनल मेरे पास और ये एन टर्मिनल। अगर मैं यहां पे पी टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहा हूं चलो 10 वोल्ट, ठीक है, और मैंने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है 15 वोल्ट, ये देख लो दोनों पॉजिटिव वोल्टेज है यहां पे। सो आप देख पा रहे होंगे कि वीपी की वैल्यू मेरे पास है 10 वोल्ट और वीएन की वैल्यू मेरे पास है 15 वोल्ट, तो दोनों में ग्रेटर कौन हुआ? दोनों में ग्रेटर है मेरे पास वीएन इज ग्रेटर देन वीपी, इसका मतलब इस केस में डायोड विल बी ऑफ, इसका मतलब ये हो गया रिवर्स्ड बायस। क्या आपको समझ में आ रहा है? So, मैंने यहाँ पे 5 से 6 एग्जाम्पल लिए जहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन डायोड को ऑन ऑफ कैसे चेक करते हैं। आप कुछ भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप चेक करो कि भाई उसका पी टर्मिनल किस पोटेंशियल पे है और एन टर्मिनल किस पोटेंशियल पे है, और वहां से अपन देखेंगे कि कौन सा किससे ग्रेटर है। पी के अगर एन से ग्रेटर हो गया तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस, और अगर एन पी से ग्रेटर हो गया तो डायोड विल बी ट्रीटेड एज ऑफ, मतलब कि ओपन सर्किट। ये सब तो आइडियल केस, प्रैक्टिकल केस की बात है, वो सब हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक। अब दूसरा चीज यहां पे ध्यान दो,
अगर मैं चलो ये सबको यहाँ पे जो मैंने डायोड यहाँ पे लिया हुआ है, अगर मैं डायोड को बोल रहा हूँ कि सब ये आइडल डायोड लगे हुए हैं, तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो आपको तो पता ही है ना फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं आइडियल डायोड की बात करता हूं, ठीक है, देखो लिख रहा हूं आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड मैंने लिया यहां पे डी, अगर ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन, तो ये किससे रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से, और अगर मैं डायोड के रिवर्स बायस केस की बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ऑफ, मतलब ये रिप्लेस हो रहा है ओपन सर्किट से, जो मैंने आपको पहले यहां पे बता दिया है। इसका मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो डायोड है अगर अपने पास फॉरवर्ड बायस में है तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है, अगर आप अपने घरों पे स्विच को देखते हो, आपने स्विच ऑन किया तो वो स्विच एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है, तो जिस भी आप वहां पे अब यहां पे जिसको ऑन आप करने वाले हो, लाइट वगैरह या फैन वगैरह को ऑन करने वाले हो, तो स्विच को ऑन करने से क्या होगा कि वो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा और उस केस में वो हो जाएगा ऑन, ठीक है ना, जो भी आप ऑन करने वाले हो। ओके, दूसरी केस जहां पे डायोड अगर ऑफ है तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा है, मतलब कि स्विच को आप ऑफ कर रहे हो। सर आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि डायोड यहां पे एक्ट एज अ स्विच, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही, कब, जब डायोड आइडियल है। इसका मतलब है एक आइडियल डायोड है ना, अगर मैं एक आइडियल डायोड की बात करता हूं तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं एक्ट एज अ स्विच, क्या आपको बात समझ में आ रही है, एक्ट एज अ स्विच। तो ये सब आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग इसका आगे का डिस्कशन और भी करने वाले हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप के अपन सर्किट देखेंगे, जहां पे अपन देखेंगे कि अगर मैं किसी जगह पे आइडल डायोड ले रहा हूं तो क्या होगा, किसी में प्रैक्टिकल डायोड ले रहा हूं तो क्या होगा, ये सब क्या सब चीजें ना आगे क्वेश्चन में यूज होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगी, इसलिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलो आप इसको आराम से नोट कर लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डायोड कैसे बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, जब आइडियल डायोड है तो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मैं डिफरेंट सर्किट्स यहाँ पे ले रहा हूं, अभी आप लोग समझना यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया, चलो 10 वोल्ट है मेरे पास और एक 1 किलो ओम का रजिस्टर है जिसमें मैंने डायोड को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास ग्राउंड, ठीक, ये हो गया मेरा डायोड, ये हो गया पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। लेट सपोज ये है 1 किलो ओम का रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो डायोड लगा हुआ है इसमें पी टर्मिनल जो है मेरे पास, पी टर्मिनल इज एट 10 वोल्ट, उसके बाद जो एन टर्मिनल जो है वो 0 वोल्ट मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है। ग्राउंड मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट। यहाँ पे अगर आप दोनों को देख पा रहे हो ना, तो यहां पे जो P टर्मिनल है वो ग्रेटर है N टर्मिनल से, इसका मतलब डायोड जो है वो हो जाएगा ऑन, मतलब फॉरवर्ड बायस। लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि सर ये आइडियल डायोड है, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि ये जो है आइडियल डायोड है, यहां पे लिख देता हूं मैं आइडियल डायोड। ओके, अगर मैं एक आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन, मतलब कि यहां पे एक शॉर्ट सर्किट से ये रिप्लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट यहां पे, ये हो गया 1 किलो ओम का रजिस्टर और ये 10 वोल्ट, ये देख लो यहां पे, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट केस में जो वोल्टेज होता है वो हो गया 0 वोल्ट, ठीक। अब यहां से अगर अपन डायोड करंट की बात करते हैं, डायोड करंट मतलब यहां पे आईडी मैंने लिया, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1, मतलब 10 मिली एम्पियर, ये 10 वोल्ट है और 1 किलो मतलब 10 मिली एम्पियर यहां पे। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस वहां पे लगा हुआ है ना, रेजिस्टेंस जो है वो डायोड से जो करंट पास हो रहा है उसको वो लिमिट कर रहा है, मतलब कि जो एम्पियर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है ना, और उसका कुछ यूज वहां पे नहीं है। लेकिन करंट फ्लो कब हो रहा है ये ध्यान देने की बात है। कई लोग का डाउट ये होता है कि सर पी जो है वो डायरेक्टली 10 वोल्ट से कनेक्टेड नहीं है, बीच में तो एक 1 किलो ओम का रजिस्टर है जहां पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वहां पे ड्रॉप भी होगा, कई लोग का डाउट ये होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई एक बात बताओ, करंट फ्लो कब होता है, जब करंट के लिए एक वहां पे पाथ डिजाइन होता है। किसी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, करंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको पहले ये चेक करना है कि सर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो आप पहले वो चेक करोगे ना। तो आप चेक जब करोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है जो डायोड मेरे पास है, ये डायोड का जो पी है वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है और एन ग्राउंड से कनेक्टेड है। जब मैं पी की बात कर रहा हूं तो जब तक ये डायोड ऑन नहीं होगा
ठीक है, जब तक ये डायोड ऑन नहीं होगा तो क्या वहां पे करंट फ्लो होगा? बोले सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि पहले किसी भी सर्किट में अगर डायोड लगा हुआ है तो डायोड का वर्किंग आप चेक करो कि डायोड ऑन है कि ऑफ है, उसके बाद सर्किट के एनालिसिस पे आओ कि भाई आपको किसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, किसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड नहीं करना है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी केस में डायोड को जस्ट अपोजिट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग यहां पे, ये तो बात होगी मेरे पास फर्स्ट केस की। अगर मैं सेकंड केस में यहां पे देख रहा हूं, मैंने ये 10 वोल्ट यहां पे लिया, ये हो गया 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस और ये डायोड का जो डायरेक्शन है उसको मैंने अपोजिट किया हुआ है, ये ध्यान दो यहां पे आप लोग। तो यहां पे ये पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर यहां पे, तो पी टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल डायरेक्टली 10 वोल्ट से थ्रू द रजिस्टर 1 किलो ओम से कनेक्टेड है, नॉट डायरेक्टली, एन जो है वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है थ्रू 1 किलो ओम। ठीक है, इसका मतलब है कि इतना आपको देख के लग रहा है कि भाई एन टर्मिनल का जो पोटेंशियल है पी से ग्रेटर होगा, जैसे मैंने यहां पे बोला था। अब इस केस में डायोड क्या होता है मेरे पास? ऑफ होता है, और ऑफ मतलब क्या? मेरे पास रिवर्स बायस। अगर डायोड के रिवर्स बायस केस की बात हो रही है, एक आइडियल डायोड का, क्या है मेरे पास यहां पे? एक आइडियल डायोड। तो ये जो डायोड है वो किससे रिप्लेस होगा? ओपन सर्किट से। मतलब कि अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ओपन सर्किट और ये हो गया मेरे पास दिस वन। ठीक है, एक बात ध्यान दो आप लोग, 10 वोल्ट ये, अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है दिस वन, ये कितना है मेरे पास? ये 1 किलो ओम यहां पे। ठीक, और आपको तो पता ही है कि भाई ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा है, ये देख लो। तो ओपन सर्किट केस में जो करंट होता है आईडी कितना होगा मेरे पास? 0 एम्पियर। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया 0 एम्पियर। अब अगर मैं चलो बोलू कि सर ओपन सर्किट का वोल्टेज क्या होगा, सर वो भी 0? नहीं, आप लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे तो ओपन सर्किट का वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम होता है यहां पे। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बोलूं यहां पे चलो सर एक केविल लगाते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पे चलो केविल लगा रहा हूं, ठीक है, केविल की अगर बात करें, लेट सपोज यहां पे है प्लस माइनस वीडी, ठीक है, ये लिया मैंने, देखो प्लस माइनस वीडी। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है मेरे पास केविल से, ये हो गया 10 = 1 × 0 प्लस वीडी। तो VD की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 10 वोल्ट आ रही है। मतलब कि ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था और डायोड के कंडक्ट ना करने से ये डायोड किससे रिप्लेस हुआ? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट से क्या हुआ? करंट 0 हो गया और जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे 10 वोल्ट, वो पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पे बिना कुछ ड्रॉप हुए डायोड के क्रॉस आ गया। मतलब कि अगर मैं ये 10 वोल्ट को लिखता हूं ना, देखो डायोड का यहां पे फिगर कैसे बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बना, ये एन है, ये पी है और यहां पे आ गया प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये देख लो यहां पे ऐसा लिया है मैंने। सर आपने यहां पे एन को प्लस क्यों लिया है, पी को माइनस क्यों लिया है? सर हमेशा हम तो पी को प्लस लेते हैं ना, एन को माइनस लेते हैं। क्या आप बात समझ रहे हो? हम लोग हमेशा पी को प्लस लेते हैं, एन को माइनस लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। वहां से आप ऐसा बोल नहीं सकते कि आप हमेशा पी को प्लस ही लोगे पॉजिटिव टर्मिनल पे या एन को नेगेटिव पे लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो। इससे ये डिसाइड हो रहा है आपके पास कि आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं वीडी का, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं बात करता हूं वीडी का, तो ये इस डायोड की बात हो रही है यहां पे, दो केस यहां पे डिवाइड होगा और दो केस वो ये रहने वाला है कि इस डायोड को अगर ऑन होना है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस डायोड को अगर ऑन होना है तो जो वीडी मैंने यहां पे लिया हुआ है, ये प्लस माइनस वीडी, ये वीडी की वैल्यू होनी चाहिए यहां पे लेस देन 0 वोल्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आएगी आपको, ये चीज, अगर ये डायोड को ऑन होना है, इस केस में डायोड विल बी ऑन ये, और अगर इस वीडी की वैल्यू, और अगर इस वीडी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट हो गई, पॉजिटिव वोल्टेज यहां पे, इस केस में डायोड विल बी ट्रीटेड एज ऑफ, डज नॉट कंडक्ट। आप देख पा रहे होंगे जो वीडी की वैल्यू है 10 वोल्ट आई यहां पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वीडी की वैल्यू 10 वोल्ट आई है वहां पे, तो 10 वोल्ट क्या है मेरे पास? पॉजिटिव है ना। अगर वो पॉजिटिव है तो ये केस हो गया ना, ये देखो यही केस तो है मेरे पास जहां पे डायोड ऑफ था। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहां पे, अगर मैं डायोड का यहां पे, अगर इसी डायोड का ये फिगर मैं फिर से बना रहा हूं, देखो ये 10 वोल्ट मेरे पास और ये हो गया 1 किलो ओम का रजिस्टर, अगेन ये डायोड लिया मैंने। आप समझते रहना यहां पे, आपका कॉन्सेप्ट मस्त होने वाला है, मजा आएगा आपको यहां पे एनालॉग पढ़ने में। अगर मैंने ये चलो लिया, ये एन टर्मिनल है और ये पी टर्मिनल, इसको मैंने माइनस लिया, इसको प्लस लिया, जो सबको लेना पसंद करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जो सबको पसंद करते लेना कि भाई पी प्लस में एन माइनस में। तो सर अब क्या होगा? अब देखो आप यहां पे भी दो केस आएंगे। अगर डायोड को ऑन होना है तो एक बात बताओ, डायोड ऑन कब होगा?
एक बात बताओ ना, डायोड ऑन कब होगा? डायोड ऑन तब होगा जब वीडी की वैल्यू यहां पे रहेगी पॉजिटिव, ठीक है? क्या आप समझ में आ रहे हैं? मतलब वीडी इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, ये देख लो यहां पे। अगर मैं बोल रहा हूं कि डायोड सर ऑफ कब होगा, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे? जब वीडी की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव होगी, इसका मतलब वीडी लेस देन 0 वोल्ट। ये देख लो, ये दो कंडीशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, तो इससे आप बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मस्त हो जाएगा। आप डायोड के अक्रॉस कोई भी पोलैरिटी लो, लेकिन कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। एक तरफ आपने क्या बोला कि सर प्लस माइनस ऐसा कुछ है, तो बोले कि वीडी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तभी डायोड ऑन होगा। अब वीडी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तभी डायोड ऑफ होगा। और जैसे ही मैंने पोलैरिटी को जो अपन कन्वेंशनल लेना पसंद करते हैं वैसे लिया मैंने, तो आपको अब अपने देखने में मजा आ रहा होगा। कैसा सर? डायोड ऑन कब होगा? जब वीडी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। डायोड ऑफ कब होगा? जब वीडी की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या आपको समझ में आएगी चीज? तो इसको आराम से आप नोट करो, फिर हम लोग इसका आगे का डिस्कशन आगे करते हैं। ओके, ठीक है। सो इसके आगे का डिस्कशन अपन करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? डायोड्स का यहाँ पे देख पा रहे हो कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है, ये सब कुछ अपन देख रहे हैं। और दो मैंने एग्जांपल भी लिया था यहाँ पे आइडल डायोड के लिए, ठीक है, जहां पे एक बार फॉरवर्ड बायस हो रहा था और एक बार रिवर्स बायस हो रहा था। अब अपन थोड़ा डिस्कशन को आगे करते हैं और मजा लेते हैं इसका, ठीक है। कैसा? देखो, अगर मैं यहाँ पे चलो सेकेंड केस की बात करता हूँ, और सेकेंड केस मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड ले रहा हूँ। क्या? प्रैक्टिकल डायोड, ये। और प्रैक्टिकल डायोड में सर दो चीजें आती हैं। क्या? वी गामा को मैंने यहाँ पे इस बार लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। मतलब कि मैं वी गामा को बोल रहा हूं कि सर ये मैंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास आरएफ की वैल्यू अभी भी 0 ओम है, ठीक है ना, आरएफ की वैल्यू 0 ओम। ये तो यहां पे देखो मैंने प्रैक्टिकल डायोड की बात की हुई है, और प्रैक्टिकल डायोड की जब बात होगी तो वहां पे जो कट इन वोल्टेज लिखा है ना, ये कट इन वोल्टेज, ये देख लो यहां पे कट इन वोल्टेज। तो भाई इसमें दो केस होती हैं। ये वी गामा की वैल्यू होती है 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड्स के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? 0.6 से लेके 0.7 तक सिलिकॉन डायोड के लिए। और अगर मैं वी गामा की बात करता हूं 0.2 से लेके 0.3 वोल्ट के लिए, ये हो गया मेरे पास जर्मेनियम डायोड। क्या है मेरे पास यहां पे? जर्मेनियम डायोड। ये तो ये आपको ये याद रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और कई बार आज के रेट में क्या है, इसका क्वेश्चन में लिखा आता है कि भाई उसमें कट इन वोल्टेज आपको 0.7 लेना है, 0.6 लेना है, 0.3 लेना है या 0.2 लेना है, जो भी है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में आजकल लिखा हुआ होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप याद कर रखना चाहें तो आप रखना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल रखना चाहिए। अब देखो प्रैक्टिकल डायोड यहाँ पे, फिर से वही एग्जाम्पल, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास ये 10 वोल्ट, ठीक है ना, और 1 किलो ओम, जैसे मैं यहाँ पे हमेशा की तरह ले रहा हूँ 1 किलो ओम, और ये डायोड मेरे पास, ठीक, ये ग्राउंड। तो भाई जैसा आपको दिख रहा है कि इस केस में डायोड क्या होने वाला है? ऑन होगा ना, सिंपल सा केस है। तो यहां पे डायोड विल बी ऑन। ये डायोड अब ऑन हो गया ना, उससे क्या होगा पता है? उससे डायोड ऑन होने से आप याद करो मैंने आपको केस 1 लिखाया था, जहां पे डायोड कंडक्ट कर रहा था, फॉरवर्ड बायस में था, उस केस में डायोड रिप्लेस हो रहा था वी गामा और आरएफ से, मतलब कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, जिसमें मैंने वी गामा को कंसिडर किया हुआ है ना। और यहां पे चलो बात हम कर लेते हैं सिलिकॉन डायोड का। सिलिकॉन डायोड ही मैक्सिमम केस में यूज होता है, ठीक है, सिलिकॉन डायोड, ये देख लो सिलिकॉन डायोड, ठीक। तो मैंने यहां पे लिया कि भाई डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में, अब डायोड जो है वो रिप्लेस होगा वी गामा और आरएफ से, लेकिन मैंने आरएफ को 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे भी लेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो आरएफ दिख जाएगा, ठीक है। सो यहां पे ये जो डायोड है मेरे पास, ये 1 किलो ओम, और ये हो गया मेरे पास 10 वोल्ट। तो ये रिप्लेस हो जाए कट इन वोल्टेज के साथ, और कट इन वोल्टेज का सब पोलैरिटी कैसे होगा वो देख लो। ये हो गया मेरे पास प्लस और ये माइनस, समझ में आएगा चीज? तो पी प्लस एन माइनस, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो ये रिप्लेस हो गया वी गामा से, और चलो वी गामा की वैल्यू मैंने लिया हुआ है 0.7 वोल्ट। मजा आएगा क्या? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसका आईडी करंट निकालते हैं। डायोड के क्रॉस करंट कौन कितना फ्लो है वो देखते हैं। तो आप आईडी क्या लिखेंगे? आप केवल लगा लो यहाँ पे, क्या लिखोगे आप? 10-0.7 डिवाइड बाई 1। तो आईडी यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं? ये हो गया मेरे पास 9.3 मिली एम्पियर। सर ये मिली एम्पियर आप क्यों लिखते हो फट से? नहीं, एक्चुअली देखो ना, ये वोल्ट है, ये कितना है? 1 किलो ओम है। कई लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे, ये लिखते हैं 10 क्यूब, 1 × 10 क्यूब, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन भाई लिखने की जरूरत ही क्या है, आपको पता है ना कि वो आंसर अगर जो आपका जो रेजिस्टेंस है अगर वो किलो ओम है तो आंसर किस में आएगा, मिली एम्पियर में ही आएगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम होती तो बाय डिफॉल्ट आपका करंट किस में आता है, यहाँ पे 9.3 माइक्रो एम्पियर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मेरे पास दिस वन वन, ठीक है, ये हो गया आईडी 9.3 मिली एम्पियर। कब? जब डायोड में अपन प्रैक्टिकल डायोड यहां पे ले रहे हैं। पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था? 10 मिली एम्पियर का। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आइडियल डायोड के केस में अगर मैं इसी को यहां पे चेंज कर रहा हूं और मैंने यहां पे रिप्लेस किया, ये देख लो ये डायोड, अब ये डायोड का मैंने क्या किया हुआ है, ये डायोड पे मैंने इसको चेंज किया, ठीक है। अब चेंज करने से यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट और ये 1 किलो ओम और ये मेरे पास N और ये P। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि डायोड इस केस में क्या होने वाला है, ये हो जाएगा ऑफ, मतलब कि रिवर्स बायस कंडीशन। सर ये रिवर्स बायस कंडीशन मतलब क्या है? तो रिवर्स बायस केस आप याद करो, मैंने आपको सेकंड केस लिखवाया था, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो डायोड रिप्लेस होता है RR से, और मैंने यहां पे मैं पहले ही बोल देता हूं आपको, मैं यहां पे कंसिडर करने वाला हूं RR। चलो मैंने इसकी वैल्यू लिया 1 मेगा ओम, ये लिया मैंने। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, ये 1 किलो 1 मेगा ओम, तो ये जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में होने से, सॉरी रिवर्स बायस में होने से, ये जो रेजिस्टेंस ये आने वाला है डायोड के जगह पे, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 मेगा ओम, ये देख लो, और ये मैं बोल सकता हूं ये है 10 वोल्ट और ये कितना है मेरे पास 1 किलो ओम। अगर मैं चलो बात करते हैं यहां पे सर करंट कितना फ्लो हो रहा है, प्रैक्टिकल डायोड की बात करें ना, तो यहां पे चलो मैंने करंट लिया हुआ है आईडी, ठीक है, तो ये आईडी अगर बात करें हम लोग तो यहां पे केवल लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1 प्लस, 1 किलो ओम में और 1 मेगा ओम में है, ध्यान रहे 1 किलो ओम में 1 मेगा ओम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों को सेम यूनिट होना पड़ेगा ना, इसका मतलब 1 किलो ओम में ये, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, और मेगा ओम, तो इसको मैंने किया 1000। क्या आपको समझ में आया? क्या तो ये हो गया 1 किलो ओम और 1000 किलो ओम, समझ में आ गया चीज, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, है ना, अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकता हूं कि ये 1000 किलो ओम है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो भी आंसर आएगा वो मिली एम्पियर में आएगा और काफी नेग्लिजिबल करंट है ये। अच्छा, इसको आप और भी लिखना चाहें तो आईडी इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, 0.01 मिली एम्पियर। सर माइक्रो एम्पियर में चेंज करने का मन कर रहा है, कर दे क्या, कर दो, तो कितना हो गया ये 10 माइक्रो एम्पियर, वेरी स्मॉल करेंट, और ये कितना है 9.3 मिली एम्पियर। जैसा आप देख पा रहे काफी स्मॉल करंट है ये यहाँ पे, कब, जब अपन आरआर को कंसिडर कर रहे हैं वेरी हाई वैल्यू के साथ। तो ये हो गया मेरे पास जहां पे बात होती है प्रैक्टिकल डायोड का। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद इसी को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं आरएफ के साथ भी, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज जाएगा और कुछ भी खास नहीं रहेगा। और आपको तो पता ही है कि आरएफ की वैल्यू जो होती है वो 1 ओम से लेके 100 ओम के आसपास होती है, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो में ये देखें कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट और एसी इक्विवेलेंट सर्किट में आपने डीसी एनालिसिस की पूरी बात कर ली है, और उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े थे इस वीडियो में, अभी हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा पढ़ा हुआ है क्या, डीसी एनालिसिस, ठीक है। तो आपको मैंने इस वे पे बताया हुआ है कि मेरे को लगता है कि आप डायोड को लेके कभी फंसोगे नहीं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एसी एनालिसिस की, जहां पे हम लोग एसी एनालिसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देखने वाले हैं जो कि नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करेगा, तो आपको मजा आएगा, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।